गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कार्बन जो होता है उसकी टेट्रावेलेंसी होती है, इसका मतलब उसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4, तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, लेकिन लेना और देना बहुत मुश्किल है 4-4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है और ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग होती है। ठीक है, अब कार्बन जो होते हैं इसके एलोट्रोप्स होते हैं, पहला है डायमंड। ठीक है, डायमंड जो होता है ये एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ये देखो यहां पर ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एक कार्बन एटम अगर मैं बीच का देखूं तो ये कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारा होता है 3D स्ट्रक्चर होता है। डायमंड हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं या ग्लास कटर कटिंग के लिए यूज करते हैं, और ये जो है ये है तो नॉन मेटल है, लेकिन दिस इज द हार्डेस्ट मेटल सब्सटेंस नोन। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेटल होता है। हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज सीखी हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, इससे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस हमें अभी तक कोई भी नहीं मिला है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है और 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। ऐसे ही एक दूसरा एलोट्रोप जो है कार्बन का वो है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट हमने देखा है जो पेंसिल की अंदर जो ब्लैक अंदर से होता है, ब्लैक ब्लैक जिससे हम लिखते हैं वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। और देखो वो कितना सॉफ्ट होता है कि जैसे जैसे हम लिखते चलते हैं वो पेपर पर घिसता हुआ चला जाता है। डायमंड जो है वो पूरी तरीके से कार्बन से बना होता है, लेकिन वो कितना स्ट्रांग है, और ग्रेफाइट जो है वो भी पूरे कार्बन से ही बना होता है, उसमें कुछ भी और नहीं होता, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन में जो है, अब ये देखो ये वाला कार्बन देखो तुम बीच में, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है।